नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गुरु नानक देव महाराज के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इंदौर में नगर कीर्तन निकाला गया। 2 साल बाद निकाले गए नगर कीर्तन में सिख समाज की धार्मिक सामाजिक गुरु नानक नाम लेवा साध संगत के साथ शैक्षणिक संस्थाएं भी शामिल हुई। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए खान पान के स्टॉल नगर कीर्तन के मार्ग पर नहीं लगाए गए। इसके अतिरिक्त सिख समाज ने प्रकाश पर्व के 3 दिवसीय दीवान में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का भी फैसला लिया है। गुरु नानक देव महाराज के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज ने इंदौर में नगर कीर्तन निकाला। कीर्तन इमली साहिब गुरुद्वारे से शुरू होकर राजवाड़ा, शास्त्री ब्रिज, रीगल चौराहा, RNT मार्ग से पटेल ब्रिज, जवाहर मार्ग होते हुए फिर गुरुद्वारा इमली साहिब पर पहुंचेगा। कीर्तन के लिए सिख समाज से जुड़ी सभा ने सभी सिख संगतों से निवेदन किया था कि नगर कीर्तन मार्ग पर यातायात सुविधा पूर्वक चलता रहे। इसके लिए आधी सड़क छोड़कर संगत सम्मिलित हो। नगर कीर्तन में सम्मिलित होने वाले सभी जत्थों को अनुशासित चलाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए सभा की ओर से सेवादार नियुक्त किए गए थे। सभी पुरुष सफेद वस्त्र और केसरिया पगड़ी, जबकि महिलाएं सफेद वस्त्र के साथ केसरिया दुपट्टा पहनकर कीर्तन में शामिल हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पालकी साहिब जिस मार्ग पर चल रही थी उसके आगे गुरमत प्रचार जत्थे के 500 सेवादार झाड़ू लगाते हुए चल रहे थे, जबकि पानी से सड़क को भी धोया जा रहा था। दंदन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव को मुख रखते हुए इंदौर की समूह साध संगत इंदौर में नगर कीर्तन निकाल रही है। इसके लिए हम पूरे प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सहयोग किया। पिपला राव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी सबका धन्यवाद करती है। पूरी समूह साध संगत कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना नगर कीर्तन निकाल रही है। सभी लोगों को गुरु नानक देव जी की लख लख बधाई हों। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर इंदौर की समूह साध संगत नगर कीर्तन के रूप में इमली साहिब गुरुद्वारे से लेकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए इमली साहिब गुरुद्वारे में शाम को 6 बजे समाप्ति होगी, जिसमें इंदौर की समूह संगत इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि कोरोना काल के कारण 2 वर्ष तक नगर कीर्तन नहीं निकल पाया था, इसलिए संगत में काफ़ी उत्साह है। मेरा नाम प्रतपाल सिंह भाटिया, दाता बंदी छोड़ पिपलेरा गुरुद्वारा। टाइम न्यूज़ देखिए